उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार कुछ हुए कतले आम, प्यार में सावधान, लगता है भैया किसी ने चारा काट के आग जला दिया है। अरे चलो चलो आग बुझा देते हैं, नहीं तो पूरे जंगल में फैल जाएगी। हाँ चल के बुझा देते हैं। इलास, इलास, पुलिस, 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 पुलिस। वैशपुर गांव के नजदीक एक घना जंगल है। उस जंगल से गांव के लोग जलाने के लिए लकड़ियां और पशुओं के लिए चारा लेकर आते हैं, लेकिन 29 नवंबर 2012 को शाम 6 बजे गांव के लोगों ने जंगल में आग जलते हुए देखा। जब वो उसके नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लाश जल रही थी। वो इसे देखकर डर गए। उन्होंने तुरंत इसकी पूरी जानकारी वहां की पुलिस को दी। पुलिस के आने तक लाश पूरी तरीके से जल चुकी थी। पुलिस ने लाश की अस्थियों को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश की ये बात अपने ही गांव में नहीं बल्कि आसपास के सारे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन अब तक कोई भी दावेदार सामने नहीं आया था। पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, ताकि उसके बिना पर वो कोई कार्रवाई कर सके और ये पता लगा सके कि ये लाश आखिर है किसकी। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके इस पसंदीदा शो प्यार में सावधान की इस नई कहानी में स्वागत करता हूँ। अभी एक प्लेट बढ़िया मटन मेरे लिए लगाइए और एक प्लेट भुना हुआ मटन, अभी थोड़ा मसाला डालिए। भाभी एक रामलाल वाली डिश हमें भी लगा दी। रामलाल वाली? हाँ भाई, रामलाल वाली डिश का अलग ही मजा है, फिर चाहे वो मीट हो या फिर चिकन। क्या बोलते अब्दुल भाई? एकदम सही। अरे अब्दुल भाई, आपकी तो अपनी खुद की मटन की दुकान है, यहाँ कैसे? क्या करोगे भाई, रामलाल भाई के हाथ का बने मीट का स्वाद ही कुछ अलग है। लोग यहाँ खाते भी हैं और बदवा के घर भी लेकर जाते हैं। वैसे भाभी ये रामलाल भाई है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे? जी वो बाजार गए सामान लेने। अच्छा, बड़ा कंजूस आदमी है भाई। बता दे रहा हूँ, एक नौकर रख लेना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं रखता, सामान के लिए भी खुद ही जाता है। आपको शिकायत नहीं होगी भाईजान? आपके भाईजान के हाथ का ही स्वाद मिलेगा आपको। मम्मी पापा कहाँ है? हाँ मम्मी बुलाइए ना, उनको तो पता है हम रोज स्कूल आशीर्वाद लेके ही जाते हैं। वो तुम्हारे पापा? क्या हुआ मम्मी, पापा कहाँ है? कहीं नहीं बच्चों, वो कह के गए थे कि कुछ काम से बाहर जा रहे और अभी तक नहीं आए। क्या पापा रात भर से नहीं लौटे? अरे नहीं अनिल, वो आए थे जब आप लोग सो गए थे ना तब, पर किसी का फोन आ गया तो वो चले गए। क्या पापा रात भर से नहीं लौटे, फिर भी ये बात आपने दादी माँ को नहीं बताई? नहीं सुनील, ये बात मैंने दादी को नहीं बताई, क्योंकि अगर उन्हें बता दूंगी तो वो घबराएंगे ना, लेकिन अब मुझे भी घबराहट हो रही है। ओहो मम्मी। अरे बच्चों, आज स्कूल नहीं गए तुम लोग? देखे ना दादी, पापा कल रात से जो गए अभी तक नहीं लौटे। कल रात से? ऐसा तो वो कभी नहीं करते। हाँ और हमारे स्कूल जाने आने के वक्त तो कभी नहीं। हाँ आपको तो पता है बिना पापा के आशीर्वाद लिए हम स्कूल जाते भी नहीं और स्कूल से आते भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, आज दादी और मम्मी का आशीर्वाद ले लो, खुश रहो बच्चों। पर पापा,
कोई बात नहीं बेटा, यही कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे। शायद किसी जानने वाले की दुकान पे रुक गए होंगे। जाओ बच्चों, तुम स्कूल जाओ। पापा का सपना है ना, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ, है ना बच्चों? जाओ, खुश रहो बच्चों, जाओ स्कूल जाओ। भाभी जी, रामलाल भाई आज कहाँ है? रामलाल नेहरू खाने में मजा ही नहीं आ रहा। वही तो, अरे उनके हाथ में जो जादू है, जादू। भाभी जी क्या बात है, आज बहुत मुस्कुरा रही हैं। अरे पति की तारीफ और पत्नी खुश ना हो, ऐसा हो सकता है? काश आपके भाईजान के हाथ का स्वाद मेरे हाथ में। नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, आपके हाथ का भी बढ़िया है, लेकिन रामलाल के हाथ की बात कुछ और ही है। भाभी दो पीस और देना मुझे। जी। शाम की स्कूल भी छूट गई। पापा अभी तक नहीं आए। बच्चों शाम हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। वो तुम्हारे पापा नहीं है ना, तो सारा काम अकेले ही करना पड़ा। पता नहीं पापा तुम्हारे कहाँ चले गए। उन्हें फोन तो करना चाहिए था। फोन तो बंद है। बैटरी तो फुल थी ना मम्मी, और पापा हमारे बगैर इतनी देर कहीं रुक भी नहीं सकते। पापा कहाँ गए मम्मी? पता नहीं, अब तो मेरा भी जी घबरा रहा है। क्या हुआ बच्चों? दादी पापा रात से गए और अभी तक नहीं लौटे। क्या बात कर रहे हो बहू, क्या हुआ? इतनी देर तक तो कभी वो रुकता ही नहीं है। मेरा भी जी बहुत घबरा रहा है, फोन करके देखो ना बेटा। अम्मा जी उनको फोन किया था, उनका फोन बंद बता रहा है। अब तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आप लोग अपनी स्थिति को समझिए। आपके पति शाम को गए और लेट आए, और रात में आने के बाद उन्हें कोई फोन आया और वो फिर से चले गए, है ना? जी हाँ। तो इसका मतलब है कि उन्हें कोई जरूरी काम होगा, इसलिए वो आने के बाद फिर से चले गए, और पूरा दिन उनका फोन यूज हुआ, है ना? जी। तो जाहिर सी बात है वो अपना फोन चार्ज नहीं कर पाए होंगे और फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी। और वैसे भी अक्सर यहाँ से जब लोग बाजार जाते हैं तो उन्हें देर हो ही जाती है। ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर साहिबा, मैं मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और वो बहुत ही जिम्मेदार है और अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है, और कभी भी एक पल की देरी भी हो जाए ना, वो तुरंत हमें फोन करके बता देता है ताकि हम चिंता ना करें। अब एक पल तो क्या, पूरा दिन गुजर गया है। आपकी बात सही है माँ जी, लेकिन आप थोड़ा धीरज रखिए। देखिए कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि बड़े से बड़ा जिम्मेदार इंसान भी उसमें फंस कर रह जाता है। आपके बेटे बहुत जल्द आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। जी हेलो। मंडी सीमा के पास एक जलती हुई लाश मिली है, आप लोगों को शनाख्त के लिए जाना होगा। हम क्यों जाए शनाख्त के लिए? हम क्यों जाए लाश देखने के लिए? मैं जानती हूँ मेरा बेटा एकदम ठीक ठाक है और वो जिंदा है। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा कब कह रही हूँ, लेकिन ये सूचना तो हमें उन सभी को देनी होगी जिनके किसी ना किसी रिश्तेदार के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हो। माँ जी चलिए ना एक बार हम भी देख लेते हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
लाश दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन ये चीजें लाश के पास से बरामद हुई हैं। आप इसे पहचान सकते हैं? खून से सना हुआ रामलाल की डेड बॉडी के पास मिला और हमें यह शक है कि इसी चाकू से उनका खून किया गया और बाद में लाश को जला दिया गया। दोस्तों, इस घटना से रामलाल का परिवार ही नहीं बल्कि गांव का हर परिवार आश्चर्यचकित था, क्योंकि रामलाल का कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, फिर किसी ने उसको क्यों इतनी बेरहमी से मारा? पुलिस के पास भी छानबीन करने के लिए अब तक कोई सुराग नहीं था। पूरे गांव में अजीब सा मातम का माहौल फैला हुआ था। रामलाल के हाथों के द्वारा बनाया गया मीट खाकर पूरा गांव उसका दोस्त बन चुका था। हर कोई चाहता था कि जिसने भी रामलाल की हत्या की है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। रामलाल के बच्चे अपनी माँ से ज्यादा अपने बाप के दुलारे थे। रामलाल की पत्नी राधा का तो रो रोकर बुरा हाल था, क्योंकि वो बेचारी सुबह से उठकर अपने पति के कामों में उसका हाथ बटाया करती थी। दूसरों के पति तो उठकर काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और 10-12 घंटे के बाद आते हैं, लेकिन राधा सुबह 6 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक सोने तक अपने पति के कामों में उसका हाथ बटाया करती थी और उसके साथ रहती थी। ऐसे इंसान से जब उसका हमसफर जुदा हो जाए तो उसके साथ क्या बीतेगी, ये राधा को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ, पर क्या करूं, जो हो गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन हाँ, जिसकी वजह से हुआ है उसे तो सामने लाया जा सकता है। संभालिए माँ जी अपने आप को, अब आपको अपने बेटे के दुश्मन को सजा दिलाना है। किस दुश्मन को इंस्पेक्टर साहब? मेरे बेटे का कोई दुश्मन नहीं था। ये गांव तो क्या, गांव के चारों बाजू में कोई उसका दुश्मन नहीं था, सब लोग उसके दोस्त थे। दुश्मन नाम की महक भी नहीं थी उसकी जिंदगी में। पर कोई तो होगा, कोई छोटी सी छोटी घटना भी यूं ही नहीं हो जाती है, और ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। आप सोच कर बताइए। देखिए, कभी कभी हम जिसे दोस्त समझते हैं वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसा कौन हो सकता है? राधा बहू, मुझे नहीं पता माँ जी, मुझे नहीं पता कौन मार सकता है उन्हें। क्यों उसका फोन आया था, वो कौन था, मुझे नहीं पता। वही तो मैं पूछ रही हूँ, कोई तो होगा, किसी ने तो फोन किया था। आप लोग सोच कर बताइए। इस चाकू को पहचानते हैं आप लोग? ये चाकू तो हमने कभी देखा ही नहीं है ना राधा बहू। आप लोगों का चिकन मटन का धंधा है, ऐसे चाकू इस्तेमाल किए जाते होंगे, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, हमने तो पहले कभी इसे नहीं देखा, इसे हमने कभी नहीं देखा इंस्पेक्टर साहब, नहीं देखा। ये चाकू खून से सना हुआ रामलाल की डेड बॉडी के पास मिला और हमें यह शक है कि इसी चाकू से उनका खून किया गया और बाद में लाश को जला दिया गया। और यह भी सुना है कि रामलाल जी इस होटल के पीछे के कमरे में रहते थे। हाँ, रहते थे। उनके बच्चों की पढ़ाई में तकलीफ ना हो ना, उसके लिए उन्होंने उन बच्चों को अलग सा कमरा दिया था और वो पीछे वाले कमरे में ही रहते थे। ओ,
तो इसका मतलब है कि उनका सामान मतलब बिल पेपर्स वगैरह हमें वहीं पर मिलेंगे। शायद वो सब देखने से हमें कुछ क्लू मिल सके। मिसेस रावलाल जी, क्या आप हमें वो कमरा दिखा सकती हैं? इंस्पेक्टर साहब, इतना सा तो कमरा है, इसमें दिखाना क्या, आप खुद ही देख लीजिए ना। मैडम, यहाँ तो खून के छींटे और धब्बे हैं। हाँ, नॉनवेज का रेस्टोरेंट है इनका, ऐसे धब्बे तो दिखाई दे सकते हैं। यहाँ का माना हुआ मीट वाला था वो, लोग खाते ही नहीं थे, पैक कराकर भी ले जाते थे। जी मैम, मैं जानती हूँ, इनके यहाँ की डिशेस कई बार हमारे चौकी में भी आ चुकी है। चेक करो सब। वो बैग लेकर आओ। मैम, इसमें तो कुछ भी नहीं। कुछ मिला बैग में? या तो हमारे काम की कोई चीज नहीं मिली। चलो अपनी पूछताछ आगे बढ़ाते हैं, शायद वहीं से हमें कोई जानकारी मिले। जी मैम, आ जाए। माँ जी, हमें वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इस केस में हमें मदद मिल सके। अब आप ही कुछ सोच कर बताइए, आज कल परसों बरसों पहले हुई कोई बात, कोई घटना, कोई दुश्मनी। देखिए, कभी कभी छोटी सी छोटी दुश्मनी भी जानलेवा साबित हो जाती है। मिसेस रामलाल जी, आप तो पूरा दिन उनके साथ रहती थी, क्या आपको कभी कोई ऐसी बात नजर नहीं आई? नहीं, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया। पर अब्दुल भाईजान कभी कभी बिना वजह के उनसे लड़ने आ जाते थे। अब्दुल भाई, ये कौन है? हमारे जैसा, उनका भी मटन का होटल है। अगर हम ना होते तो वो नंबर वन पे होते। ओ, तो नंबर वन पोजीशन पाने के लिए उसी ने तो ये नहीं किया है। ये अब्दुल भाई मिलेगा कहाँ? वो जो कार वाले वहां पे है, उनसे जाके पूछिए। वो हमारे और उनके लिए, दोनों जन के लिए काम करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मैडम, हमारा नाम गोविंद है। इस चाकू को पहचानते हो? जी नहीं, मैं नहीं पहचानता। सुना है तुम अब्दुल भाई और रामलाल दोनों के लिए ही काम करते थे, और दोनों का मीट का रेस्टोरेंट है। तुम फिर भी इस चाकू को नहीं पहचानते हो? हमारा काम चाकू इस्तेमाल होने के पहले का है। मैं मटन को उनकी शॉप तक लेके आता हूँ, उसके बाद चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। अब्दुल भाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो रामलाल का खून कर सकता है? लगता तो नहीं है मैडम, लेकिन क्या है, रामलाल को लेके अब्दुल के दिल में ठसन तो था, लेकिन इतना नहीं कि वो मर्डर कर दे उसका। अब्दुल भाई जी, जब से मैं इस केस की तहकीकात कर रही हूँ, इस अब्दुल भाई का नाम तीसरी बार सुना है। लगता है इससे अपनी पुलिसिया जबान में बात करनी ही पड़ेगी। प्यार में साब था। समझ में नहीं आ रहा है ये केस किस करवट बैठ रहा है। अब हमारे सामने दो ही सवाल बार बार सर उठा रहे हैं। एक तो वो कौन था जिसने रामलाल को आधी रात को फोन करके अर्जेंट बुलाया था, और दूसरा ये चाकू किसका था जो खून से सना हुआ उसकी लाश के पास मिला था।
शायद इसी से उसकी हत्या करके उसे जलाया गया हो। गीता, गीता। जी मैम। रामलाल की लाश के पास जो खून से सना हुआ चाकू मिला था वो आम घरेलू चाकू से काफी बड़ा था, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि आसपास चाकू बेचने वालों से ये पता करो कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह का चाकू किस किस को बेचा गया है या दिया गया है। मैम हमने पता कर लिया है, पास ही के गांव के एक लुहार ने स्पेशल ये चाकू अब्दुल भाई को बनाकर दिया था। अब्दुल भाई? जी। जब से मैं इस केस की तहकीकात कर रही हूँ इस अब्दुल भाई का नाम तीसरी बार सुना है, लगता है इससे अपनी पुलिसिया जबान में बात करनी ही पड़ेगी। ये क्या मैडम, ये आपके हवलदार मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तो तू क्या चाहता है, तुझ जैसे टुच्चों के पीछे मैं भी अपना टाइम खराब करूं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा मतलब है कि ये मतलब मत समझा, वो मतलब समझा जिससे इस केस को मतलब है। बता तूने रामलाल का खून कैसे किया? नहीं नहीं मैडम, मैंने खून नहीं किया। झूठ मत बोलो, सबूत है मेरे पास, बताओ तुमने रामलाल का खून क्यों किया? अरे मैंने कहा ना मैडम, मैंने कोई खून नहीं किया। तो फिर तुम्हारा चाकू खून से सना हुआ रामलाल की डेड बॉडी के पास कैसे आया? जाहिर सी बात है तुमने ही उसका खून किया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जलाकर वहां से चले गए। नहीं नहीं मैडम, किसी ने आपसे झूठ कहा है, मैंने रामलाल का खून नहीं किया। नहीं किया तो तुम्हारा चाकू रामलाल के पास आया कैसे? वो चाकू तो मैंने रामलाल को धार लगवाने के लिए दिया था, वो बाजार गया था तो मैंने सोचा धार लगवा कर लेते आएगा ताकि तुम और अच्छे से उसका खून कर सको, है ना? मैंने कहा ना मैडम, मैंने कोई खून नहीं किया। तो किसी से करवाया होगा? आखिर मैं किससे खून करवा सकता हूँ? उसी से जिसे तुमने आधी रात में अर्जेंट फोन करवाया था। देखिए मैंने किसी को फोन करके रामलाल को बुलाने के लिए नहीं कहा, और मैं तो खुद चाहता हूँ कि रामलाल के हत्यारे को सजा मिले। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी बात नहीं बता रहे? देखिए मैडम, आप मेरे रोम रोम को कुरेद कर भी पूछेंगे ना तो मैं यही कहूंगा कि ना मैंने कुछ किया है, ना करवाया है और ना कुछ जानता हूं। मैम रामलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अगर रामलाल की हत्या 24 घंटे पहले कर दी गई तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने में इतनी देरी करने का क्या मतलब था? इस बात का जवाब न तो पुलिस के पास है और न ही हमारे पास, लेकिन इसका जवाब मिलेगा, लेकिन इस एपिसोड में नहीं, हमारे इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए जिंदगी बिताएं प्यार में और रहें प्यार में सावधान। मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद। रामलाल की फोन डिटेल्स निकालने पर यह पता चल रहा है कि उसकी लास्ट लोकेशन उसका घर है। इसका मतलब यह है कि रामलाल की हत्या उसके घर पर पहुंचने के बाद हुई। आपका शक सही निकला, आपने जो ब्लड सैंपल दिया था वो रामलाल का ही है। चलो मेरे साथ।